Hello, welcome to SN Chaudhary Math Classes for Class 12. आप सभी बच्चों का मैथ 12th क्लास में स्वागत है। अभी तक सभी बच्चे, जैसे लॉकडाउन के कारण डिफ्रेंशिएशन 11th में कुछ पोर्शन दे दिया गया और कुछ पोर्शन 12th में दिया है, लेकिन 11th में भी ठीक से स्टडी नहीं हुए, इसलिए आज मैं कैलकुलस स्टार्ट करता हूँ। और कैलकुलस में देखो, कई भी टीचर हैं, कोई स्कूल है, पूछ करते हैं, डायरेक्ट वो लिमिट से शुरू कर देते हैं और बच्चे लिमिट के चक्कर में उलझ जाते हैं, आगे क्या होना उसे पता नहीं चलता है। तो आज मैं एक सिंपल वे से बताने का प्रयास करता हूँ डिफ्रेंशिएशन, और इसमें लिमिट के किस किस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। फिर डिफ्रेंशिएशन क्या है ये देख लो, आपको लंबा चौड़ा नहीं है, जैसे जैसे मैं स्टेप वाइज सवाल बनाता हूँ वैसे बनाते चलना, हर सवाल का सॉल्यूशन बन जाएगा। दैट मे बी लॉन्ग और शॉर्ट, जैसे लॉन्ग मेथड हो या शॉर्ट मेथड हो, इस तरह से आपके बन जाएंगे। अब इसी में मेथड के आधार पर सबसे पहले लिमिट के समझ लो, लिमिट के कुछ फॉर्मूले हमें जिसकी ज़रूरत पड़ते हैं वो मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर लिमिट के आप कुछ मत समझो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते चलो, अपने आप सवाल बन जाएगा। जैसे लिमिट 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 पहला फॉर्मूला याद करो, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, लिमिट लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू आपको वन लिखना है। मोस्टली इसी फॉर्मूले का यूज होता है, कहने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं लेकिन अधिकतर जगह यही फॉर्मूला यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री वाले में, और ट्रिग्नोमेट्री मैंने डिटेल से करा दिए हैं। इस आधार पर देखो, दूसरा इसी को यदि बाद में कहीं टेन आ जाए, थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू वन, लिमिट में आपको इतना याद करना है। तीसरा फॉर्मूला जिसकी जरूरत पड़ेगी डिफ्रेंशिएशन में, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स एन ए एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन। अभी जितने भी हम बेसिक बता रहे हैं उसमें लिमिट का इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगा। अब इसको आप इस हिसाब से तैयारी कर लो, आगे बात समझ में, और आप लोग नोट कर लिए। अब हम चलते हैं डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, दैट मे बी एज मच एज स्मॉल, चाहे कितना भी छोटा हो हम छोटे से हिसाब से देखते हैं। जैसे सिंपली आप मार्केट जाते हो, मान लो मम्मी ने कह दिया 10 केजी का एक शुगर पैकेट लेते आना, चीनी का पैकेट, अब वहाँ पर पूरा का पूरा चीनी खा के तो आप नहीं देखोगे चीनी अच्छा है या खराब है, उनमें से हम सिंपल क्या करते हैं वन स्पून वन चम्मच निकाल के देख लेते हैं क्या क्वालिटी है और क्या मीठापन है या क्या उसकी क्वालिटी है, अच्छे दाने हैं छोटे दाने हैं। उसी तरह से कई चेंज होते रहते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी, ये सब जो चेंज होते हैं बड़े लेवल पर, इसमें से छोटा चेंज एज मच एज स्मॉल, जितना छोटा हो सकता है उस पर उसका रेट ऑफ चेंज कितना है, दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का पहला पॉइंट लिखो, डिफरेंशिएशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू WRT, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी
इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मोस्टली बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, उसका रीजन क्या है, टीचर कंसेप्ट नहीं बताते हैं, एक्सरसाइज खोलते हैं, सवाल एक दो बना देते हैं, कहते बना के लाते ले आना। आपको यही चीज समझना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, पॉइंट नंबर वन, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इट इज ए प्रोसेस। सेकेंड, इन अदर वर्ड्स, इट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ finding rate of change of quantity, इसी क्वान्टिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय, इट इज जनरली डिनोटेड बाय limit delta x tends to zero। आप बड़े क्वांटिटी है तो आप डेल्टा एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, यानी सिंपली डेल्टा एक्स चेंज टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वाई बदल रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसी को लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, या नहीं तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट डेल्टा को हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इससे तरह से शो करते हैं। एंड इसी को हम क्या कहते हैं, देख लो एफ डैश एक्स भी कहते हैं, यदि एफ एक्स कोई फंक्शन है और उसी का हम चेंज निकालें विद रिस्पेक्ट टू अदर एक्स, हम एफ डैश एक्स भी कहते हैं, और इसी को हम वाई वन भी कहते हैं। कुछ बुकों में वाई वन मिलेगा, वाई टू मिलेगा, वाई थ्री मिलेगा। वाई वन पहला डिफरेंशिएशन, वाई टू दूसरा डिफरेंशिएशन, वाई थ्री तीसरा डिफरेंशिएशन। अब आप इस तरह से ये मेथड समझ गए। अब यहाँ पर इसके निकालने के लिए एक रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी निकाला है, इसी में जितने भी हैं जैसे देख लो, फोर एफ डैश एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स लिखो, या इसी को हम बेटा वाई कहते हैं, एफ एक्स या वाई कहते हैं, दिस इक्वल टू आप एक्स पावर एन। अब इसी का मुझे निकालना है, एक्स पावर एन है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज ये बोलो चाहे एफ डैस एक्स बोलो चाहे वाई वन बोलो, मीन्स डिफरेंशिएशन निकालो। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर हम एक क्वांटिटी का निकाल के दिखाते हैं, यहाँ पर अब कोई देख लो डिफरेंशिएट एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा यहाँ से स्टार्टिंग हो गया। अब आपके इस तरह के सवाल कहाँ आते हैं, जैसे रेडियस चेंज करते हो एरिया में कितना चेंज आएगा, या हाइट बढ़ा रहे हो तो उसके बेस में कितना चेंज आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे बनाते कैसे हैं देख लो, बुक वाले अलग मेथड से एफ एक्स करके हैं, मैं वो एफ एक्स करके नहीं ले रहा हूँ, या इसी को हम यहाँ पर लिख सकते थे, दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन दिस मेथड हम नहीं बता, ये मेथड से नहीं करा रहे हैं, हम सिंपल वे से चल रहे हैं। लेट पहला, लेट वाई इक्वल टू एक्स एन, दिस इज फर्स्ट, ये हमारे पास गिवन है। अब यदि हम एक्स में थोड़ा सा बढ़ाएंगे या घटाएंगे वाई भी बढ़ेगा, एच
as we increase, x by delta x, then y increases, by delta y. Therefore, y plus delta y equal to हमारे हो गया x plus delta x. यहाँ देखो बेटा, हमने x को थोड़ा बढ़ा दिए, y भी थोड़ा बढ़ गया. अब आपके सेकंड इस इक्वेशन का नाम हमने सेकंड लिख दिया. अब सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. सिंपल वे से जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ वैसे लिखते जाना, हर सवाल बन जाएगा. इसलिए इस तरह से बनाने के मेथड को कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मीन्स फ्रॉम डेफिनेशन. अब यहाँ पर देख लो, सब्ट्रैक्ट एक y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू x डेल्टा x होल पावर n माइनस x n. ये y और ये y कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x पावर n माइनस x n. डिवाइडिंग both sides by delta x. This is delta y upon delta x equal to x plus delta x whole power n minus x n upon delta x. कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ऐसे हम करते चलेंगे. अब हम चेकिंग लिमिट. लिमिट का मतलब मिनिमम वैल्यू. इसके कंडीशन में हम चेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो. मानो डेल्टा एक्स की वैल्यू नियर अबाउट जीरो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो. इधर लिख दिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. दिस इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर एन माइनस एक्स एन अपॉन डेल्टा एक्स. अब देखो बेटा, हमने इसी को यहां पर क्या कहा था, डी वाई बाय, यहां देखो बाय डी वाई बाय डी एक्स मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहां पर ये अब आपके पास आ गए डी वाई बाय डी एक्स, यही निकालना था मुझे. और इधर जो देख रहे बेटे, इसे हम थोड़ा चेंज करते हैं. इस फॉर्मूले के आधार पर लिमिट के अभी बताए थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए. उस फॉर्मूले के आधार पर इसको हम चेंज करते हैं. देखो लिमिट एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेंड्स टू एक्स. देख लो, यदि इस तरफ भी हमने एक्स ऐड किया, इस तरफ भी x किया, x प्लस डेल्टा x हो जाएगा. जीरो में x ऐड करेंगे तो x हो जाएगा. ऐसा हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से किया है, x प्लस डेल्टा x होल पावर n माइनस x n. और नीचे में जो हमारे पास डेल्टा x है, इसमें हम लिख देते हैं x प्लस डेल्टा x माइनस x. देखो जो फॉर्मेट यहाँ है वही फॉर्मेट हमने यहाँ बना दिया. अब ये x ये कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे न्यूमेरिकल पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है. इस तरह से हम लिख सकते हैं. और इस तरह से जब हम लिख सकते हैं तब आगे थोड़ा सा बच गया. अब नेक्स्ट देख लो, यूजिंग, अब हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स एंड
माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए। देखो जो ऑर्डर यहां पर है, देख लो एक्स टेंस टू ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। इस आधार पर इसका फॉर्मूला लिखते हैं ए इन एन इंटू ए पावर एन माइनस वन। जो आपका यहाँ नंबर है वही नंबर हमने यहाँ लिखा, उसका पावर वन माइनस किए, उसी पावर को यहाँ लिखिए। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो तो उसी बटन पर चलना है, ये एक्स एन हो गया, यहाँ पर ये ए एन हो गया। दिस वी राइट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, ये आपका निकल गया। नेक्स्ट लाइन में y की वैल्यू आप कितना माना, तो एक्स एन अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला डेरिवेशन होगा। आए बात समझ में सबको? ये यहां तक समझ में आ गए? जब आपसे कहेगा फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल तब आप इस मेथड से निकालते हो, लेकिन ट्वेल्थ में फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल है नहीं, ये एलेवेंथ में ही था, हमने रिमाइंड करने के लिए बता दिए। तो आपको केवल न्यूमेरिकल बनाना है। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल डिफरेंशिएट एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास। डिफरेंशिएट एक्स क्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस, बनाएंगे कैसे हम? आपको इस पूरा प्रोसेस बनाने की जरूरत नहीं है, केवल फॉर्मूला यूज करना है। तो देख लो फॉर्मूला के हिसाब से दो लाइन में बन जाएगा, लेट लेट y इक्वल टू एक्स थ्री, यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या लिख देते हैं dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स थ्री अपॉन डी एक्स। फिर लिखते हैं यूजिंग फार्मूला डी एक्स एन बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल जाएगा? देख लो बेटा यहाँ पर हम कितना निकालेंगे, यहाँ देखो बेटा जरा ध्यान से, जो पावर यहाँ है वही पावर हमने साइड में लिखा, एक पावर माइनस हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? थ्री इंटू एक्स का पावर थ्री माइनस वन, यानी थ्री एक्स स्क्वायर। न्यूमेरिकल आप छोटे से चार लाइन में बना लोगे। आगे बात समझ में, नोट कर लिया आपको यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू x, हमने x का ही x से डिफरेंशिएट कर दिए। जनरली बच्चे वहां कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट नहीं करना, उसका वैल्यू देखो, लेट y इक्वल टू x डिफरेंशिएट शॉर्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स। बच्चे यहाँ पर कैंसिल आउट कर, कैंसिल आउट नहीं करना, तरीका वो नहीं है, तरीका क्या है? इसका पावर वन है, यूजिंग डी एक्स एन बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स वन इंटू एक्स का पावर वन माइनस वन, this equal to 1 into x का पावर 0। किसी का भी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, that is equal to 1। इसलिए यहाँ भी मिलेगा आपको dx by dx, उसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल डिफरेंशिएट
यहाँ तक समझ में आ गया प्रभु को, नेक्स्ट क्वेश्चन देख बताऊंगा। आज आप लोगों को यहाँ तक हम करा दिए हैं, आज इतना आप लोग करके लाना, प्रैक्टिस करके घर पर एक दो बार लिख के, कल डिफ्रेंशिएशन के अलग अलग पार्ट फॉर्मूले हम कराएंगे और आते ही क्लास चालू हो जाएगा। आप सभी बच्चों को जिनको भी अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और इसी में कमेंट करना, और कमेंट करने के बाद ज्वाइन बटन करने का प्रयास करना। थैंक यू।